शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पशी हारे तऊ पुनि पार न पावे, ताहे अहीर किछो हरियाँ छछिया भर छाछिप नाच नचावे। कहते हैं ईश्वर या तो दो जहान में नहीं समाएगा या तो दिल में समा जाएगा जहाँ दिखता भी नहीं है। जब महाभारत के रण में अर्जुन को लगा कि अब तो बस का नहीं है युद्ध, जो सामने बड़े बड़े लोग हैं, सब सगे हैं, क्या किया जाए, तो वो थोड़ा भूल गए थे और कृष्ण की पावर थोड़ा अंडरएस्टिमेट करने लग गए थे। वो भूल गए कि उनके साथ कौन है, इस वक्त उन्हें सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। तो उसी समय संसार का सबसे बड़ा ज्ञान गीता, उसकी उत्पत्ति हुई। और इसी प्रसंग को विस्तृत करने का एक लघु प्रयास है एक कविता द्वारा, जिसको लिखा है मेरे पिता ने, श्री सतीश सृजन जी। सो जस्ट गिव इट अ फेयर ट्राई। पांडव कौरव की सेना में, पांडव कौरव की सेना में होना था शुरू संग्राम विकट। बनाधरम क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, निजयान पे दोनों गए अटक। था किया प्रयास बहुत हरि ने, भाई से भाई नहीं भिड़े, पर दुर्योधन के हट कारण मजबूरन पांडव युद्ध लड़े। कुल का मुखिया था अन्यायी, उस पर बेटा उद्दंड जना, वह छिन्न भिन्न परिवार सकल महाभारत रण मैदान बना। पांडव की ओर थे कृष्ण स्वयं विपरीत अक्षौणी सेना थी, इस ओर दिवस बने गिरधारी उस ओर अधर्म की रहना थी। माधव पहले ही बोले थे मैं अस्त्र शस्त्र न चलाऊंगा, सारथी बनूं और रथ हाँकूं, तुझे सही मार्ग दर्शाऊंगा। सारथी बने यदि यदुनंदन, अर्जुन को कैसी फिक्र रहे, हर बला रहे कोसो दूरी, जिस दल गोपाल का जिक्र रहे। राजाओं की सैनिक टुकड़ी कौरव पांडव में बट गई थी, आमने सामने थे दोनों सारी सेनाएं डट गई थी। दिखता कौरव पलरा भारी, एक से एक वीरों का दल था, कोई 10 हाथी कोई 100 हाथी कोई सहस्र हस्ती वाला बल था। द्रोणा कृपा संग भीष्म खड़े, दुर्योधन के संग खड़ा कर्ण, जयदरथ दुशासन और शकुनी, कौरव सेना का किया वर्ण। कई महावीर कौरव दल में, पांडव संग कृष्ण तो चिंता कौन, उस ओर हो कितने बलशाली, कान्हा के आगे गिनता कौन। अनुनय कर बोले पार्थ तभी, माधव उस ओर है अपने जन, इनसे मैं कैसे युद्ध करूं, असमंजस में है मेरा मन। गंगा सुत तो मेरे दादा हैं, उंगली गह गुजरा है बचपन, मेरा रोम रोम आभारी है, उनसे है पाया अपनापन। हूँ अगर कुशल धनु विद्या में, ये द्रोण गुरु की शिक्षा है। हूँ अगर कुशल धनु विद्या में, ये द्रोण गुरु की शिक्षा है, उनके विरुद्ध संग्राम करूं, माधव न ये मेरी इच्छा है। रही कृपा की कृपा कुल पे सदा, उनके विरुद्ध ना जंग होए, विनती है श्याम करो ऐसा, ना युद्ध ठने ना मरे कोई। पूरा कुटुंब है खड़ा उधर, गांडीव से नहीं प्रहार बने, हे सखा कोई पथ दिखलाओ, जिससे नहीं भीषण युद्ध ठने। केशव नहीं चाहत राज्य मिले, भिक्षा से जीवन जी लूंगा, ले लेने दो साम्राज्य सकल, निज इच्छा से सब दे दूंगा। 12 वर्षों तक वन में रहा, अज्ञातवास 1 साल जिया, अब नहीं है इच्छा राज्य मिले, रहना साधारण मान लिया। गांडीव सरकता हाथों से, तन मन जोरों से कांप रहा, ना युद्ध कदापि करूं केशव, मैंने निज मन की बात कहा। स्वजनों से लड़ने से अच्छा, चुल्लू भर पानी डूब मरूं, हे कृष्ण घोषणा सुनो मेरी, करो कोटि यतन ना युद्ध करूं। सब ध्यान से सुना मुरारी ने, तब अर्जुन से माधव बोले, हे पार्थ मेरी एक बात सुनो, दिखलाओ ना खुद को यूं भोले। तेरे अनुनय पर रथवान बना, जो कहता हूँ वो अपनाओ, अतिरिक्त युद्ध ना मार्ग कोई, बिन लड़े लौट कर ना जाओ। छोड़ो कायरता वीर बनो, रथवान हूँ मैं तुम नहीं डरो, लौटने की राह ना शेष बची, अब गहो शस्त्र और युद्ध करो, हुई वीर गति तो स्वर्ग मिले।
हुई वीर गति तो स्वर्ग मिले, जय पाया तो धरती का सुख। निश्चय करके गांडी वे उठा, बधने मरने का ना कर दुख। रण से भागा तो सुन अर्जुन, जग कहे नपुंसक तुझे सदा। तज यश अपयश अपमान मान, हो जाने दे जो भाग्य बदा। जो योग बनाया समय चक्र, नामो निशान ना पाएंगे। जितनों के तूने नाम लिए, सबके सब मारे जाएंगे। होगा विनाश पतहीन है जो, ना शिकवा कर ना कोई गिले। तू सखा मेरा सो मैं चाहूं, तुझको जग में सम्मान मिले। खड़ता धरता में स्वयं एक, बड़भागी तू जो बना निमित। चल उठ निस्वार्थ समर कर तू, बस है इसमें ही तेरा हित। बहुविधि और बहु उपमानों से केशव किरीट को समझाया। संशय मन से ना मिटा कोई, अब भी था भारत घबराया। बहु प्रश्न किया जब महाबाहु, तो कृष्ण ने अद्भुत बात कही। छोड़ो तुम माया मोह सकल, अब कहता हूं एक बात सही। तू 84 के चक्कर में कितनी योनि में जन्म लिया। मैं परम पुरुष हरि अविनाशी, ना जन्मा मरा ना भोग किया। तेरे सब जन्मों का मैं ज्ञाता, पर तुझे खबर ना कौन में क्या। सो कहता जो वैसा तू कर, मुझ माधव की अनुकंपा पा। सब धर्म कर्म को छोड़ पार्थ, मुझ कृष्ण शरण में तू आ जा। मैं नष्ट करूं सब पाप तेरे, मेरी बाह पकड़ मुक्ति पा जा। ना विद्युत सूर्य चंद्र तारे, फिर भी मैं अखुट उजाला हूं। वहां जाकर कोई ना लौटे, मैं जहां कर रहने वाला हूं। है धाम परम आनंद, परम प्रकाश, परम सुख है हर पल। आशरण मेरी मेरा सेवक बन, उस परम धाम को अर्जुन चल। अनहद में है अस्तित्व मेरा, मैं ओम नाद में रहता हूँ। तृण तृण कण कण में अंश मेरा, सुन पार्थ सांच में कहता हूँ। ब्रह्मांड सकल सूरज तारे, सब ग्रह नक्षत्र आकाश गंग। सुर नर किन्नर गंधर्व असुर, जड़ चेतन सब है मेरे अंग। मैं आदि स्वयं, मैं अंत स्वयं, मैं निर्माता संहार स्वयं। मैं जन्म हूँ और मरण हूँ मैं प्रलय, मैं रचनाकार स्वयं। मैं जेर तथा मैं उद्भिज हूँ। मैं ही अंडज और मैं स्वेदज, दाने में अंकुर मैं बनता। जल सागर प्राणी में मैं अज। मैं घृणा हूँ खुद आकर्षण हूँ, मैं प्रसन्नता और शोभ हूँ मैं। सत रजो तमस प्रकृति सकल, और काम क्रोध मद लोभ हूँ मैं। वैकुंठ में नहीं निवास मेरा, ना योगी हृदय में आता हूँ। मेरे भक्त जहाँ मेरा गान करे, मैं स्वयं को वहाँ पाता हूँ। प्रेमी खातिर कुछ भी करता, मेरे भक्त मेरी दुर्बलता है। उस पर यदि आए आँच कोई, तब विधि विधान भी हिलता है। मैं काल परे कल्पना परे, मन बुद्धि में नहीं आता हूँ। ब्रह्मांड अखिल में ना सिमटूं, पर भक्त हृदय में समाता हूँ। मेरे सखा मेरी अब बात सुनो, तुम्हें दिव्य चक्षु पहुंचाता हूँ। है आज उठी एक मौज अजब, निज रूप विराट दिखाता हूँ। सब छोड़ वहम और देख स्वयं, मेरी उपमा है कितनी भारी। ऐसा मेरा रूप न लखा कोई, अब तक जन्मे जो नर नारी। इतना कहकर रथ से उतरे, कौंतेय के संग में गिरधारी। अर्जुन प्रसन्न और डरे भी थे, पर मन में थे अति आभारी। माधव ने अपना सहज रूप फाल्गुन के आगे खड़ा किया। फिर वृहत बताया गात प्रभु, अंबर तक खुद को बड़ा किया। ये दृश्य देखते अन्य तीन, हनुमान बर्बरिक और संजय। कर रहे कृष्ण विस्तार रूप, कर बांधे लखते धनंजय। अनगिनत हाथ अनगिनत चरण, अनगिनत रूप अनगिनत शीश। अनगिनत नेत्र और मुख अनंत, धरती अंबर तक जगत ईश। अनगिनत दिव्य आभूषण में, अनगिनत दिव्य हथियार लिए। चहु ओर महकती दिव्य गंध, माधव ने अति विस्तार किए। प्रतिरोम कोटि रवि का प्रकाश, आभा चमके जगमग जगमग। एक दिव्य उजाला पसरा था, ना दिखता सर ना दिखता पग। कौंतेय को बड़ा अचंभा था जब देखा हरि के शीश ओर। अरबों खरबों मुखमंडल थे, ना दिखता प्रभु का ओर छोर। लाखों शंकर लाखों ब्रह्मा, लाखों सुर और लाखों गणेश। लाखों दिग्क्षेत्र व लोकपाल, लाखों कुबेर यम और शेष।
अग्नि वायु और वरुण देव, लाखों ऋषि मुनि, लाखों मानव, लाखों किन्नर गंधर्व यक्ष देवता पितृ, लाखों दानव। विकराल रूप मुख खुला हुआ जिसमें दिखता ब्रह्मांड सकल, लाखों नव गंगा ग्रह तारे जिसे देख धनंजय हुआ विकल। एक ओर से प्रभु में समा रहे पशु पक्षी तरु गिर नर नारी, एक ओर से जन्मे यह सारे लीला विराट करे गिरधारी। भारत ने देखा निगल उठे कौरव पांडव के सभी वीर, जिसे देख डर गया गुड़ाकेश तन कांपा और मन था अधीर। स्वेद से था खूब भीग गया, सब रोम पार्थ के भूल गए, भयभीत हुए इतना अर्जुन, है कौन है क्या सब भूल गए। मस्तिष्क में रक्त वाहिनी अब प्रवाहित ना हो पाएगी, अर्जुन को लगता था जैसे अब हृदय गति थम जाएगी। ये सखा तो है ब्रह्मांड पति, जिसे मैं समझा था हम जोली, थर 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 कांप रहा अर्जुन, मुख से ना निकले एक बोली। भारत कोशिश करके बोला, हे माधव केशव गोपाला, अतिशय भयभीत हूँ यदुनंदन, प्रभु तजो रूप ये विकराला। हे आदि पुरुष, हे अधिनायक, प्रभु आप ही जगत नियंता हैं, जग के प्रतिपालक जनक आप हैं, सृजन आप ही हंता हैं, वेदों के ज्ञाता आप ही हैं, और आप ही हैं प्रभु परम धाम, अनगिनत रूप तेरे जग में, कण कण में बसता तेरा नाम। ब्रह्मा विष्णु शंकर गणेश, यम अग्नि वायु चंदा रविकर, हे नाथ आप ग्रह तारे हैं, है कोटि नमन करता किंकर। धरती अंबर तक जो कुछ भी गोविंद की सब में प्रस्तुति है नमस्कार, है कोटि नमन, सेवक करता तेरी स्तुति है। हे दीन बंधु मोहे क्षमा करो, मैंने तुमको मानव जाना, हूँ पांच तत्व का तुच्छ जीव, गोविंद तुझे ना पहचाना। हे मधुसूदन अब कृपा करो, निज सहज रूप में आ जाओ, मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए प्रभु, है क्या आज्ञा मुझे बतलाओ। संकेत भी तेरा शिरोधार्य, स्वीकारो प्रभु दासत्व मेरा, माधव अब सब कुछ आप ही हैं, नहीं शेष बचा है महत्व मेरा। जब किया चिरौरी कुंती सुत, जो किया चिरौरी कुंती सुत, हरि विश्व रूप को समेट लिया, कर सहज रूप यशोदा नंदन, कौन्तेय को फिर से अभय किया।